एक सच्ची दोस्ती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अमित और मोहन। अमित एक किसान था और मोहन एक दर्जी। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। अमित का खेत गांव के भारी इलाके में था। हर सुबह वह अपने खेत में जाकर काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। दूसरी ओर मोहन अपने घर के पास ही अपनी दुकान चलाता था। वह कपड़े सिलने में माहिर था और उसकी कला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक दिन अमित के खेत में अचानक आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की पर आग को बुझा नहीं सका। उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। यह देखकर अमित बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि अब उसके परिवार का पेट कैसे भरेगा। जब मोहन को ये बात पता चली तो वह तुरंत अमित के घर गया। उसने देखा कि अमित बहुत परेशान था। मोहन ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो भाई, हम मिलकर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। मोहन ने अपनी बचत के कुछ पैसे अमित को दिए और कहा, तुम इन पैसों से फिर से खेती शुरू करो। अमित ने मोहन के इस सहयोग को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धन्यवाद कहा और पैसे लेकर फिर से खेती शुरू की। अमित ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया। उसने नए बीज बोए और खेत की देखभाल की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल तैयार हो गई और इस बार उसकी फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। उसने अपनी फसल बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाया और अपने परिवार का भरण पोषण किया। कुछ दिनों बाद मोहन की दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने उसकी सारी मशीनें और कपड़े चुरा लिए। मोहन ये देखकर बहुत परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगा। अमित को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत मोहन के पास गया। अमित ने कहा, भाई अब तुम्हारी मदद करने का समय मेरा है। तुमने मेरी बहुत मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमित ने अपनी फसल से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे मोहन को दिए और कहा, तुम इन पैसों से नई मशीनें और कपड़े खरीद लो और फिर से अपना काम शुरू करो। मोहन ने अमित के दिए हुए पैसों से नई मशीनें और कपड़े खरीदे और अपनी दुकान फिर से शुरू की। उसकी मेहनत और कला के चलते उसकी दुकान फिर से चल पड़ी और जल्द ही वह पहले की तरह ही प्रसिद्ध हो गया। उसने अमित का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। इसी तरह अमित और मोहन की दोस्ती ने सबको यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और कठिनाइयों का सामना किया। उनकी इस सच्ची दोस्ती की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग उनकी मिसाल देने लगे। अमित और मोहन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और उनकी दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आती है। सच्ची मित्रता और सहयोग ही जीवन की सच्ची दौलत है। अगर आपको आज की मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।